आयरन मैन अपनी गलतियों से सीखता है पार्ट 3। अगर तुमने इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर से देख लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाता रहता है। तो आज हम देखेंगे आयरन मैन ने अपनी गलतियों से क्या सीखा और अपनी टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट किया। उससे पहले अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना सारी वीडियो देखने के लिए। नंबर 10, आयरन मैन 2 में जब विप्लेस आयरन मैन पर हमला करता है तो टोनी स्टार्क को अपना सूट कॉल करके मंगवाना पड़ता है और उस सूट को पहनने में टोनी स्टार्क को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो इस चीज को देखते हुए अपने ब्रेसलेट में ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी अटैच कर लेता है जिसके बाद जब भी उसे आयरन सूट चाहिए होता है तो उसके आयरन सूट अपने आप उसके पास आ जाता है। नंबर 9, एवेंजर 1 में जब हेली कैरियर शिप का इंजन खराब हो जाता है तो उसके फैन में आयरन मैन को फोर्स लगाना पड़ता है जिसके लिए आयरन मैन को बहुत एफर्ट्स और पावर लगानी पड़ती है। जिसके बाद स्पाइडर मैन में जब वल्चर शिप को बीच में से काट देता है तो स्पाइडर मैन को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो उधर आयरन मैन आके अपनी मिनी रॉकेट्स के पुश लगा के उस शिप को जोड़ देता है। ये मिनी रॉकेट्स आयरन मैन ने हैवी लोड में पावर देने के लिए बनाए थे। नंबर 8, एवेंजर 1 में जब टोनी स्टार्क न्यूक्लियर बम को स्पेस तक लेके जाता है तो वो मरते मरते बचता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के ऐसे काम करने के लिए अपने लिए एक आर्मी बना देता है जिसका नाम वो आयरन लीजन रखता है और उसमें एक ऑटोनोमस कंट्रोलिंग सिस्टम लगाता है जिसका मतलब टोनी स्टार्क एक जगह से अपने पूरे सूट को कंट्रोल कर सकता है। नंबर 7, एवेंजर 1 में जब टोनी स्टार्क हल्क और हल्क की पावर देखता है तो आयरन मैन थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि हल्क की पावर हल्क के कंट्रोल में नहीं होती, जो कि सच भी होता है। तो आयरन मैन पहले से ही एक हल्क बस्टर सूट रेडी कर लेता है जिसकी वजह से आयरन मैन हल्क को एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में रोक पाता है। मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी सुपर हीरो हल्क को रोक नहीं पाता अगर टोनी स्टार्क हल्क बस्टर सूट नहीं बनाता, तो टोनी स्टार्क के इस आइडिया पर 1 लाख तो बनता है। नंबर 6, आयरन मैन 3 और एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने यह देखा कि उसके कई सारे ब्लास्ट फेल हो रहे हैं जो कि उसने हल्क पर भी किए थे। तो आयरन मैन ने अपने नैनोटेक सूट में बड़े बड़े ब्लास्टर लगा दिए ताकि वो बड़ा अटैक कर सके। नंबर 4, टोनी स्टार्क आयरन मैन 3 में अपनी एक लीजन आर्मी बनाता है, उसके फेल होने की वजह से आयरन मैन अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट पर लग जाता है, लेकिन अल्ट्रॉन भी बैकफायर कर जाता है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क विजन को बनाता है जो कि अल्ट्रॉन से जीतने में मदद भी करता है। नंबर 3, आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क जब अपने लिए आर्क रिएक्टर का आयरन मैन सूट बना लेता है तो उसमें वो प्लेडियम एलिमेंट का यूज करता है, जिसके बाद आयरन मैन 2 तक आते आते वही एलिमेंट उसकी जान लेने लग जाता है। उसका आर्क रिएक्टर भी काफी डैमेज हो जाता है जिसके बाद आयरन मैन एक नया एलिमेंट बना देता है और उस एलिमेंट को अपने आयरन आर्मर में भी यूज करता है जिसकी वजह से आयरन मैन की जान भी बच जाती है। नंबर 2, एवेंजर 1 में जब थॉर आयरन मैन पर थंडर अटैक करता है तो आयरन मैन का सूट फुल चार्ज हो जाता है, पर आयरन मैन उस एनर्जी को एक कंसंट्रेटेड जगह पर यूज नहीं कर पाता। उसके बाद एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन अपने नैनोटेक सूट में एक थंडर कंसंट्रेटर लगाकर थॉर की बिजली को थैनोस पर मारता है। नंबर 1, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जब आयरन मैन और बाकी के एवेंजर थैनोस से उसका गॉन्गलेट छिना रहे होते हैं तो आयरन मैन पर ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर सके। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि थैनोस का गॉन्गलेट उरू मेटल से बना होता है जो कि मार्वल का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल माना जाता है, पर एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन खुद का ही एक गॉन्गलेट बना लेता है और अपने सूट को अपडेट भी कर लेता है, जिसके बाद एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ स्नैप भी कर पाया था। तो ये थी आयरन मैन की मिस्टेक जिनको उसने अपने लिए ही यूज किया और वो ताकतवर होता गया। वैसे मैंने भी एक गलती करी इस वीडियो में, अगर आपको वो गलती दिखी हो तो कमेंट में बताओ, मैं उस कमेंट को लाइक दूंगा और जिसने भी सबसे पहले बताया मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। अगर वो गलती नहीं दिखी तो वीडियो को दोबारा देख लो। बाकी अगर तुम्हें आयरन मैन के अलावा मार्वल के बाकी सुपर हीरो के सूट देखने तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, और अगर तुम्हें देखना है कि एवेंजर एंड गेम के बाद कौन कौन से नए सुपर हीरो एवेंजर की टीम ज्वाइन करेंगे एवेंजर 5 के लिए तो राइट वाली वीडियो देख लो। टाटा बाय बाय।